दोस्तों आज हम जाने वाला है इस पवर गुफा के अंदर और देखते हैं क्या है इसके अंदर का रहस्य। तो आज हम इसके अंदर जाएंगे। ये बहुत ही छोटी साइज की गुफा है। एक एक टाइम में एक व्यक्ति आ जा सकता है इसके अंदर। पता नहीं आगे क्या है इसका, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही डर, और जैसे ही हम इसके आगे जा रहे हैं तो ये बहुत ही डरावनी होती जा रही है। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो आज हम जाने वाले श्री श्री माता टेम्पल, जहाँ वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है। तो वहाँ पे हम श्री श्री माता जी के दर्शन करेंगे और आपको भी साथ में दर्शन करवाएंगे। और वहाँ पे नज़ारों और पहाड़ी का सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखाएंगे। गाँव वाली सड़कें स्टार्ट हो चुकी है और देखिए बहुत ही हरियाली और शानदार नज़ारा लग रहा है गाइस। तभी हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए वो पहाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं अभी। तो अभी हम जा रहे हैं गौ माता, देखिए सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। तो और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री श्री माता मंदिर के टेंपल के मेन गेट के सामने। तो गाइस ये देखिए अंदर से मंदिर का व्यू, जो एक पहाड़ी के तलेटी के में स्थित है। और यही से होता है श्री श्री माता टेम्पल तो का, यही से मंदिर की शुरुआत होती है। यही से छोटे छोटे मंदिर हमें रास्ते में मिलते तो रहे। देखिए ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई हुई है। इसी सहायते इनके सहायता से ही हम आगे जा रहे हैं। और चारों तरफ देखिए हरियाली कितनी है। बारिश का टाइम है अभी दोस्तों, तो हरियाली तो काफ़ी है। और डर भी लग रहा है कोई जंगली जानवर ना आ जाए। और देखिए ये व्यू, अभी हम जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो हमें नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए बहुत ही पुराने चिड़िया है। तो इनके सीढ़ियों के चारे हम जाएंगे मंदिर, श्री श्री माता मंदिर के। और वहाँ के वहाँ ऊपर जाके आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। ये छोटी सी पहाड़ी है और यहाँ पे बहुत ही हरियाली एकदम शानदार लग रही है। बारिश के टाइम पे आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और एकदम रोचक। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं मंदिर के। और यही से देखिए नज़ारे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नज़ारे बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ऊपर और ये देखिए यहाँ से नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। बेहद ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए हमारे साथ डॉगी भी आया। और ये देखिए पहाड़ी और ये देखिए मंदिर और ये का देखिए नज़ारा, कितना अच्छा और सुंदर मंदिर है। ये देखिए मंदिर का डोर, तभी पुजारी नहीं थी तो अभी लॉक लगा हुआ है। आरती के टाइम में है। और ये देखिए अगर नज़ारे, और ये वही गुफा है जिसके अंदर हम जाने वाले हैं आज, और देखेंगे क्या क्या है और क्या नहीं। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर के नज़ारे। तो ये बहुत ही छोटी साइज में एक टाइम में एक व्यक्ति जा सकता है तो गाइस। इसके अंदर बहुत ही घना अंधेरा होने के कारण हमें डर भी लग रहा था, और हमें ये भी था कि ये भी इसके अंदर क्या है ये भी देखना था। लेकिन हम अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं जा और ज़्यादा अंदर इसके अंदर नहीं जा पाए, इसीलिए हम वापस हमें आना पड़ा। क्योंकि एक टाइम एक व्यक्ति जा पा रहा था और डर भी था कि पहाड़ी पर कोई जानवर मिल गया वगैरह। तो गाइस अभी जा रहे हैं दर्शन करके घर की तरफ, और देखिए सीधी ढलान, यहाँ से हम इधर जाएंगे और आपको भी व्यू में दिखाते रहेंगे। तो आज पूरा दिन हो गया हमें ट्रिप करते करते, और ये रास्ता बहुत ही डरावना और भरा हुआ है खतरों से। तो ये देखिए देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए सीधी ढलान है और ये पत्थर कैसे बड़े बड़े, ये देखिए नज़ारे। तो जाते वक्त बहुत ही थकान का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि ढलान होने के कारण हम
कम समय में नीचे उतर गए। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली बहुत ही है गाइस। मेन तो यही है कि कैसे भी हम पहुंच चुके हैं नीचे की तरफ। तकरीबन हमें 10 मिनट लगी नीचे उतरने में, और चढ़ने में 20 मिनट का टाइम लगा गाइस। तो चढ़ने में ज़्यादा हाँफ गए थे, लेकिन उतरने में बहुत इतना कुछ नहीं हुआ, बहुत ही इजीली हम नीचे उतरे। गाइस आपको आज कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आसपास के नज़ारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आज पूरा टाइम हम इस यहाँ पे ही रहे, पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड किया। और आज बहुत ही मन को बहुत ही अच्छा लगा, और प्रकृति के चारों तरफ नज़ारे नज़ारे बहुत ही अलग है।